मदर, एक माँ के प्रति ये फिल्म बनाई गई है। जैसे मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे जो लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, जानी माला सपोर्ट केला है, हे फिल्म हमच्या आई साठी ट्रिब्यूट केला है। एक बार जोरदार तालियां बजती हैं और इसी बात पे आओ विक्रम आर का एक बार जोर से नारा लगाएंगे। आओ आओ, एक सेकंड एक सेकंड मैडम, इनको मेरी आवाज अच्छी लगती है। आहो आहो आहो, आई लव यू ऑल। सर इसी बात पे डायलॉग भी हो ही जाए जिससे मीडिया लोगों का और थोड़ा जोश बढ़े। जैसे एक हिंदी में बोलता हूँ, जैसे मेरा एक को एक्टर बोलता है, बिलाल भाई पता नहीं पड़ता है हीरो है या विलन, जो भी बैग है दे दो इसे। सो क्या है कि इतने साल 14 साल एज अ विलन का काम किया है मैंने, और एक स्टेट में नहीं बहुत सारे स्टेट्स में काम किया है, बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, बहुत सारे दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। जैसे आप लोगों ने रामायण पढ़ा है, श्री राम को भी 14 साल का वनवास था, तो वैसे 14 साल का स्ट्रगल था फ्रॉम मगधीरा से आहो विक्रम आर्का आने के लिए। तो ये जो जर्नी है बहुत इमोशनल जर्नी है। ये जर्नी जैसे मेरे भाई मिहिर जी, मिश्रा जी, हम सबकी एक इच्छा थी कि हमें पहली मराठी फिल्म आपल्या महाराष्ट्र मध्ये आपल्या लोकांना त्या लेवलचं दाखवू की लोक पण बघून असं प्राउड फील करायला पाहिजे। क्योंकि नॉर्मली मराठी सिनेमा एक बाउंड्री में बनाया जाता है, उसको सिर्फ महाराष्ट्र में रिलीज किया जाता है, पण हे माझं सौभाग्य आहे की माझ्या संगत जितके पण लोक आहेत त्यांनी मला सपोर्ट केलं आणि ही पहिली मराठी फिल्म जो पैन वर्ल्ड रिलीज हो रहा है। तुम्ही लोको खुश आहे का नाही? ये आपल्या महाराष्ट्रासाठी लई गर्वाची चीज है, बहुत गर्व की बात है। राइट राइट एवरीवन। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें ये मूवी एक मदर सेंटीमेंट पे आहे, और दिस इज अ स्टोरी ऑफ एक वर्दी के एक इंसान की कहानी है, पर उसका कनेक्शन उसकी माँ के। दिस जर्नी इज अबाउट मदर सेंटीमेंट। मदर सेंटीमेंट बहुत स्टोरी में दिखाया है, इसमें अलग क्या है? मैडम जब आप पिक्चर देखेंगे ना, आप आपके बेटे को बोलेंगे विक्रम आर्का के जैसे बनना। आपका क्या रोल? आप बोलिए ना सर, गुस्सा मत हो। आपका रोल? मेरा रोल एक ऑफिसर का रोल है, एक बेटे का रोल है, एक लड़के का रोल है जो अपने माँ के प्रति कैसे रिश्ते को निभाता है। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल डिफरेंट रोल। जब आप देखेंगे सी कुछ चीजें अल्फाजों या वर्ड से बयान नहीं किया जा सकता है, ते तुम्ही ज्यावेळेस बघणार तुम्ही ते सिनेमा बघत रडणार पण एन्जॉय पण करणार ते आहे। देव सर पुणे में क्यों इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, क्या कुछ कारण है बताना चाहेंगे? सर क्या है, मेरा जन्म, मैं पुणे का रहने वाला हूँ, मैं पुण्याचा पोरगा आहे, हमी सगळे पुण्याचे आहे। तर हे आमची इच्छा होती कि हम एक ऐसा प्लॅटफॉर्म पुणे में खड़ा करें, क्योंकि अभी बहुत लोग हैं इन महाराष्ट्र इतने टैलेंटेड कि वो बॉम्बे नहीं आ सकते, साउथ नहीं जा सकते, हैदराबाद नहीं जा सकते। तो बहुत सारे लोगों को हमने हमारी फिल्म में पूना से पैन इंडिया लॉन्च किया है। एक सपना था, वो सपना हम लोगों ने पूरा किया है, और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, सब लोगों का सपोर्ट रहेगा, तो इट विल बी अ बिगेस्ट सक्सेसफुल। एक बड़ा सवाल यह होता है, हमने चिरुल पांडे को देखा है पुलिस की वर्दी में, सिंगम को देखा है पुलिस की वर्दी में, इसमें क्या कुछ नया होने वाला है? 30 तारीख को पता चलेगा सर, और आपको बहुत प्राउड फील करेगा, क्योंकि वर्दी सब लोग पहनते हैं, सबका एक अंदाज है, पर राजमौली सर का प्रेजेंटेशन सबसे खतरनाक रहता है। उनकी टीम जब वर्क करती है
तो सिर्फ वर्दी के पीछे और लाइक यू नो 100 साल तक वो कैरेक्टर जीता है। आप जब ये देखेंगे मेरे को, आप खुद ब्रदर इंटरवल के बाद कॉल करेंगे और बोलेंगे देव यू हैव मेड इट। लेकिन आप नेगेटिव रोल में ज्यादा हो रहे थे, तो अभी पॉजिटिव रोल में सर, नेगेटिव रोल में आपने पसंद किया क्या? नहीं मुझे तो पॉजिटिव में भी पक्का पसंद करेंगे सर। काय काय इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट है तिकडनं हमें उचललंय। कसं असतं पूर्ण फिल्म असं हे बायोपिक नाही आहे, ये जस्ट कुछ किस्से उठाए ड्रग्स के बारे जे पुण्यात चाललंय उसके बारे हम लोगों ने उठाया है। सो इट्स अ व्हेरी डिफरेंट थिंग प्रेझेंट सिच्युएशनच्या ओवर आहे। सर ये मराठी फिल्म है सर, आता काय काय सर काय पण काम आहे, चांगलं काम डेफिनेटली करणार सर। असं नाही की मराठी नाही, हिंदी नाही, गुजराती नाही, सिनेमाचं कोणतं भाषा नसतंय, काय पण राईट सिनेमा है का। और कैसा है अगर अपने, मैंने एक चीज देखा है साउथ में, जैसे रामचरण हो, विजय हो, वो अपने गांव अपने मिट्टी के लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। तर हे हम लोग हमसे विचार होता, हमारी एक आइडिया थी, एक सोच थी कि अपने गांव अपने महाराष्ट्र के लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं। सब लोग अभी आप लोग इसमें, आप में से बहुत कम लोग बॉम्बे के रहने वाले रहेंगे, आप सब बाहर से आए रहेंगे, कोई कोल्हापुर से आया रहेगा, कोई सोलापुर से आया रहेगा, एक जर्नी, एक तकलीफ, किसके पास पैसे नहीं रहते, एक दुख रहता है, एक सबके पीछे एक कहानी है। पर हम लोग इसीलिए सब लोग बॉम्बे नहीं जा सकते, सब लोग हैदराबाद नहीं जा सकते, पर पूना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जो यहाँ से एक अलग इंडस्ट्री हम शुरू कर रहे हैं। मैडम पिक्चर हिरोईनच्या बगैर कसं चालणार? साऊथ इंडियन आहे का मराठी आहे का हिंदी, तेलुगू एक्ट्रेस है। बघा काय है, ये जब हम सब लोगों ने डिसाइड किया था फिल्म बनाने का, तर टेक्निशियन्स सगळे पहिल्यांदा मराठीत टॉप टेक्निशियन्स घेतले, ज्यांना ऑस्कर भेटले, ते पण आपले अपनी फिल्म में गाना लिखे हैं। रवी बसरूर वन ऑफ द बिगेस्ट बीजीएम बीजीएम मैन, किंग ऑफ बीजीएम। फिर पुष्पा का जो फाइट मास्टर है, उन्होंने अपनी फिल्म का एक्शन किया 70 डेज इकड़ सुसच्या जवळ। मग जितके पण आहे सगळे राजमौलीची टीम आहे, जे बाहुबली आरआर की आहे त्यांची टीम आहे आपल्या टीम मध्ये। मॅम सॉरी तुमचं क्वेश्चन काय होतं मॅम? साऊथ इंडियन, हा तर हमी सगळे टेक्निशियन साऊथ चे घेतले, हिरोईन साउथ ची घेतली, कारण मराठी एक्ट्रेस हमको उस टाइप की नहीं मिल रही थी। पर जितके एक्टर्स आहे हमी सगळे मराठी एक्टर्स घेतले, लाइक प्रवीण तरडे साहेब तुमचा लाडका, आप लोगों को प्रवीण सर बहुत पसंद है ना, आहे का नाही? तेजस्विनी पंडित मैडम शी इज देयर। सो बहुत अच्छे अच्छे मराठी कलाकार है और वो पहली बार साउथ में गूंजने वाले। सर आपको ऐसा क्यों लगा कि मराठी में कोई उस टाइप की आपको इंटरेस्ट नहीं है? मराठी में क्या मैडम, ते डायरेक्टर से एक विजन असते, वो बहुत पर्टिकुलर रहते, उनको एक चुलबुल लड़की चाहिए, तो आपल्या मराठी म्हणजे पुण्यात भेटली नाही तर त्यांनी तिकडची घेतली। देव सर छत्रपति शिवाजी महाराज से इस फिल्म का क्या कुछ संबंध होगा, तो थोड़ा कुछ बताना चाहें सर? जो भी महाराष्ट्र की धरती पे पैदा होता है उसका कुछ ना कुछ रिश्ता श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ रहता है। और ये जो ऑफिसर जो मराठी फिल्म और ऑल लैंग्वेजेस में आ रहा है उसका भी कुछ रिश्ता छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ है, आप वो क्लाइमैक्स फाइट में देखेंगे। पर ये एक मैसेज है डायरेक्टर का कि आज की तारीख में भी महाराज का सिपाही किसी भी रूप में आकर लोगों को बचाएगा, लोगों की सेवा करेगा। हमारा दूसरा पिक्चर है, पहला जो पिक्चर मैं प्रोड्यूस किया तो होता अबक,
सुधीर शेट्टी आणि तमन्ना भाटिया होता. आता हा जो दुसरा पिक्चर आहे त्याच्यामध्ये देवील देवी माईकडे जो स्क्रिप्ट घेऊन आले तर मला ती एवढी आवडली स्क्रिप्ट की एक पोलिसांची जी स्टोरी आणि जे ओव्हरऑल जो प्लॉट आणि जी कॉन्सेप्ट आहे आणि जी देवची मेहनत आहे तर त्याच्यामुळे सगळ्यांनी हा पिक्चर बघितलाच पाहिजे. सर एव्हरी कॅरेक्टर टीचर्स यू कुछ सिखा के जाता है तो इस कॅरेक्टर ने आपको क्या सिखा दिया? अहो विक्रम आर्का ने मेरे को पेशेंस सिखाया, संयम रहना क्योंकि जब आपका वक्त आएगा तब बात करना, ये मुझे सिखाया. इट्स अ वेरी डीप मीनिंग. जब दो ढाई साल से हमें सिनेमा बना रहे जो टेक्नीशियंस है साउथ के वो ऐसे 6 महीने में पिक्चर नहीं बनाते, वो बहुत बड़ा बड़ा एक्शन लार्जर देन लाइफ सेट्स बनाते हैं. तो जो 18 महीने की जर्नी जो काम करते हैं नॉर्मली मराठी फिल्म 3 महीने में खत्म हो जाता है. जैसे मिहिर भाई भी हमारे सर और हमारे बहुत सारे मिश्रा जी तो बोलते हैं पिक्चर ही खत्म नहीं हो रही, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया. तो द प्रोसेस क्या रहता है, मेकिंग एक प्रोसेस है, मेकिंग के बाद वीएफएक्स का एक प्रोसेस था, एक्शन इतना लार्जर देन लाइफ है. म्हणजे मी खरं सांगतो आपले मराठी माणसं खूप म्हणजे खूप प्रसन्न होणार, त्यांना हे काहीतरी लई प्राऊड फील हो जाईल, उनको एक प्राऊड मुमेंट रहेगा की आमची मराठी फिल्म भी पॅन वर्ल्ड आली. पांच गाने हैं, एक अर्चना है, आज ही एक आइटम सॉन्ग रिलीज हुआ है सलमा, एक माँ का गाना है वो नेक्स्ट वीक रिलीज होएगा जस्ट 2 दिन पहले. टिपिकल मास फिल्म जो पूरी फैमिली के साथ आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं, सेंटिमेंट्स है. आपने आर आर बाहुबली पाहिलं आहे का? काय आवडलं त्याच्यात? आर आर मध्ये काय आवडलं? इंटरवल ब्लॉक पाहिलं? याद है इंटरवल सीक्वेंस था? नहीं है ना. एनटीआर जंप मारता है सब जानवरों के साथ, यही डायरेक्टर ने उस फिल्म का पूरा एडिट किया हुआ है, त्रिकोटी बेटा. योड़ो सांगतो कि तुम्ही जब आप लोग अहो विक्रम आर्का देखेंगे इसका इंटरवल ब्लॉक, सीटी बजेगी, कुर्सियां टूटेगी थिएटर में, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय करके नारे लगेंगे. म्हणजे ये एक बहुत प्राउड मूवमेंट रहेगा, फक्त इंटरवल, बाकी का सेकंड हाफ तो छोड़ दो, लोग पागल हो जाएंगे. सर इतनी मेहनत से फिल्म तो आपने बना ली है लेकिन सबसे कठिन काम यह है स्क्रीन मिलना. कितने स्क्रीन मिल रहे हैं सर? टोटल 1200 स्क्रीन्स है ऑल ओवर इंडिया और बहुत अच्छे स्क्रीन्स मिले. जैसे नॉर्थ में यूएफओ हमारे साथ जुड़ा है, माइत्री मूवीज जिन्होंने पुष्पा बनाई है वो हमारी तेलुगु फिल्म रिलीज कर रहे, फिर होमबाले कर्नाटक में रिलीज कर रहे, पीवीआर तमिल में कर रहे. सो हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस मेरे साथ जुड़े हैं और ये सब मेरे भाइयों का विश्वास था इसीलिए ये प्रोजेक्ट बना. और जब उन लोगों ने ये फिल्म देखी, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये हैदराबाद के भी न्यूज में आने वाला है 2 दिन में, जब माइथ्री के ओनर्स ऐसे बैठे और इंटरवल में ऐसे खड़े हो गए और उन्होंने सिर्फ इतना बोला देवगिल सेकेंड हाफ में पब्लिक के साथ देखूंगा, एग्रीमेंट साइन कर दो, दैट्स इट. बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू सो मच सर. मैं आपको बेशक बताना चाहूंगी कि पूरी टीम और आप